अब बेटा आज अपन अच्छे तरीके से सैलरी को स्टार्ट करेंगे। आप लोग तैयार हैं? और सब लोग का फोकस क्लास में अच्छा रहेगा। चलो हाँ, कुछ चीज़ें एमपी एमएलए वाला बताओ, अदर सोर्सेस। और बेटा पार्टनर वाला बताओ, पक्का? गिफ्ट बेटा मिसेज मास से मिला तो? अच्छा मिसेज मास से मिला, रिलेटिव है, नॉन टैक्सेबल, वेरी गुड। चलो ठीक है, मिसेज मास वो मिसेज मास नहीं है। सुनो, आप लोगों को गिफ्ट मिला पर्सनल कैपेसिटी में। कैसा गिफ्ट मिला आप बताओ, कहाँ टैक्सेबल होगा? जिसने दिया वो रिलेटिव नहीं है, अदर सोर्सेज में। मतलब आप लोगों को अगर पर्सनल कैपेसिटी में गिफ्ट मिलता है तो कहाँ जाता है? अदर सोर्सेज। आपको बेटा एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी में मिलता है तो उसकी वजह क्या है? सेक्शन 15 वजह है बेटा। सेक्शन 15 ने क्या बोला, कुछ भी अमाउंट किसी भी नाम से मिले, अगर एम्प्लॉयर से मिल रहा है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से मिल रहा है तो कहाँ टैक्सेबल होगा? सैलरी के अंदर, यस और नो? और बेटा गिफ्ट, अगर मुझे अपने क्लाइंट से गिफ्ट मिला तो कहाँ टैक्सेबल होगा? क्लाइंट से मिला वो गिफ्ट पीडीबीपी, ऐसा क्यों? मतलब एक सेकंड, मतलब गिफ्ट में तीन चीजें हो रही हैं, नॉर्मल गिफ्ट, अदर सोर्सेस, हाँ या ना? नॉर्मल गिफ्ट कहाँ जा रहा है? और बेटा अगर एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो, और अगर क्लाइंट से मिल रहा है या फिर कस्टमर से मिल रहा है तो पीडीबीपी, यस और नो? सबको क्लियर है? और बेटा सैलरी में भी तीन टाइप की सैलरी हो रही है, एक तो नॉर्मल सैलरी, वो तो सैलरी में जाएगी, लेकिन एमपी एमएलए को सैलरी मिली तो कहाँ जाएगी? और बेटा अगर पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म से सैलरी मिली तो कहाँ जाएगी? सबको इतना क्लियर है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर गिफ्ट आपको, सुनिए बेटा, इसका जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने पूछा गिफ्ट तो एम्प्लॉयर से मिला, गिफ्ट किससे मिला? लेकिन एम्प्लॉयर से गिफ्ट एम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं मिला, पर्सनल रिलेशन की वजह से मिला, कहाँ जाएगा? बेटा यहाँ पर डिस्प्यूट है। देखो यहाँ पर जाना चाहिए कायदे से आईएफओएस के अंदर, कहाँ जाना चाहिए? क्योंकि गिफ्ट पर्सनल कैपेसिटी में मिला या एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिला? पर्सनल कैपेसिटी। लेकिन दिक्कत यह है कि जब आप उसको आईएफओएस में लेके जाओगे तो भी जो असेसिंग ऑफिसर होगा ना वो सैलरी में ले जाना चाहेगा, समझ रहे हैं आप? उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना, फर्क कुछ नहीं पड़ना, वहाँ भी टैक्सेबल है, यहाँ भी टैक्सेबल है, क्लियर है आप लोग को? तो बेटा ये ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट में डिस्प्यूट हो सकती है। क्यों हो सकती है आप बताओ? अभी अपन ने क्या पढ़ा सेक्शन नंबर 15 में कि गिफ्ट अगर एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिलता है तो कहाँ टैक्सेबल होगा? तो एम्प्लॉयर से जरूरी है कि हर बार एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही मिले? देखो 99.99% केस में ऐसा ही होगा, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि गिफ्ट एम्प्लॉयर से पर्सनल कैपेसिटी में मिल जाए? हो सकता है क्या? यहाँ पर अगर गिफ्ट किस वजह से मिल रहा है, पर्सनल कैपेसिटी, तो मेरा ओपिनियन है आईएफओएस में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? क्योंकि सैलरी के अंदर चीज जब आएगी, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो और एम्प्लॉयमेंट की वजह से वो काम हो रहा हो, क्लियर है आप लोग को? लेकिन बेटा ये इसका एक आंसर किसी के पास भी नहीं मिलेगा। मेरा ओपिनियन ये है, किसी और का ओपिनियन सैलरी भी हो सकता है, समझ रहे हैं आप? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिस्प्यूटेड मैटर है, और टैक्स में ऐसे कई डिस्प्यूटेड मैटर होते हैं, उसीलिए तो अपन सीएसीएस प्रैक्टिस करते हैं। बताओ अगर मैं सैलरी के अंदर करना चाहूँगा, अगर मैं आईएफओएस के अंदर करना चाहता हूँ और आप असेसिंग ऑफिसर हो, असेसिंग ऑफिसर समझते हैं आप लोग कौन? आप मतलब इनकम टैक्स वाले लोग हो, आप बोल रहे हो सैलरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? अदर सोर्सेस। आप बताओ क्या डिस्प्यूट अराइज हो गई? तो क्या आप प्रोसीडिंग लड़ना पड़ेगी, क्या आप केस चालू हो जाएगा? समझ रहे मेरी बात? क्या इसकी भी फीस आती होगी या इसी की ज़्यादा फीस आती होगी? बताओ रिटर्न फाइल करने की ज़्यादा फीस आती होगी या केस लड़ने की ज़्यादा फीस आती होगी? तो टैक्स में बेटा ऐसे कई मैटर्स होते हैं जहाँ पर डिस्प्यूट अराइज होती है, समझ रहे हैं आप लोग? और मैं तो आपको ये भी बता दूं कि कभी कभी अपन इंटेंशनली, जैसे अभी मैंने क्या बोला, हाँ अभी मैंने क्या बोला कि आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होगी। तो फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लाइंट है जतिन, जतिन के केस में मैंने बोला आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होगी, ठीक है। मेरा दूसरा क्लाइंट है अमन, उसके केस में मैंने बोला सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगी। मतलब क्लाइंट दोनों एक ही सीए के हैं और एक ही सीए दो अलग अलग ओपिनियन ले रहा है डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस, समझ रहे हैं आप लोग? नहीं ऐसा नहीं होता बेटा। टैक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली चीज। नहीं बेटा
हेड अपनी अपनी जगह है, बिल्कुल डिस्प्यूट होता है। अगर आपने 21-22 का टैक्स 22-23 में पे कर दिया तो भी डिस्प्यूट होता है। गवर्नमेंट बोलती है हमको तो 21-22 में ही चाहिए, समझ रहे हो आप? नहीं बेटा, देने से कुछ नहीं होता, टैक्स रेट पे फर्क नहीं आएगा, वही मैं बोलो, टैक्स रेट पे फर्क नहीं आएगा। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। एक है पीडीबीपी, सब लोग ध्यान दे रहे हैं क्या? एक है पीडीबीपी, दूसरा क्या है? कैपिटल गेन। दे रहे हैं सब लोग ध्यान? बेटा अगर किसी चीज को पीडीबीपी के अंदर टैक्सेबल होना है ना, तो आपको पीडीबीपी के अंदर ही टैक्सेबल करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 28 चार्जिंग सेक्शन पीडीबीपी का ऐसा बोल रहा होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप लो के अगेंस्ट जा सकते हो या नहीं जा सकते? समझ रहे हो मेरी बात? और बेटा जहाँ डिस्प्यूट होती है ना, वहां पर लॉ क्लियर नहीं होता, या फिर वहां पर दो व्यूज या मल्टीपल व्यूज होते हैं, वहीं डिस्प्यूट होती है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो हो सकता है आप लोग असेसिंग ऑफिसर हैं, आपका व्यू हो सैलरी, आपका व्यू क्या है बेटा? आप लोग का क्या है? और बेटा आप लोग भी असेसिंग ऑफिसर हैं दूसरी जगह के, और हो सकता है आपका व्यू IFOS हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि लॉ है, इन्होंने अपनी नजरों से पढ़ा, आपने किसकी नजरों से पढ़ा? अपनी नजरों में। और जब डिस्प्यूट होगी तो किसकी नजरें काम आएंगी? कोर्ट की। किसकी? समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा ऐसे लॉ में कई पॉइंट्स ऐसे आएंगे, कई मतलब कई चीजें, मैं तो बताऊंगा भी ना कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट है, ये तो कोई ऐसा ऐसे कोई मैटर नहीं है अभी आप लोग। अच्छा हाँ, ये एक चीज बहुत काम की थी यार, छुप नहीं रही है वो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। मतलब अगर मैंने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि मेरे घर, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि ये काम कर दो, जैसे अपन देते ना घर वगैरह में कॉन्ट्रैक्ट देते हैं क्या, तो आपकी जो भी इनकम होगी वो कहाँ टैक्सेबल होगी? कहाँ टैक्सेबल होगी? मैंने आपको मेरे घर पे पेंटिंग का ठेका दिया है, ठीक है, तो बताओ जो भी सम मैं आपको पे करूँगा वो कहाँ टैक्सेबल होगा? PGBP। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मानोगे या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब सैलरी, एम्प्लॉयमेंट। यस और नो? बैठ जाइए, सबको इतना क्लियर है बेटा? अब ये जो दिख रहा है आपको स्टेटमेंट ऑफ सैलरी दिख रहा है, बच्चों टाइप की कोई चीज दिख रही है आपको? क्या लिखा है? स्टेटमेंट ऑफ सैलरी। किसी भी पर्सन की आप इनकम कैलकुलेट करोगे ना, और इनकम कौन सी हेड के अंदर? देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपन कैलकुलेट करना सीख चुके हैं क्या? GAB लेते हैं, GAB में से म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस करते हैं, NAV आता है उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट माइनस करते हैं, और अपना क्या आ जाता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाँ या ना? ऐसी बेटा सैलरी का अब अपन फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात? अब ध्यान रखना, अब सबको समझ आएगा, ठीक है? अब ध्यान रखना, अब सबको समझ आएगा, अब आपको भी समझ आएगा। बेटा बात कर रहे हैं फॉर्मेट की, स्टेटमेंट ऑफ सैलरी, किसकी बात कर रहे हैं? तो देखो लिखा क्या है, एक बार आप सिर्फ पढ़ लो क्या लिखा है। नेम ऑफ असेसी, व्हाट डू यू मीन बाय असेसी? चलो ठीक है, सैलरी यहाँ पर मेरी हो रही है तो क्या यहाँ पर मेरा नाम आ जाएगा? मास ऐसा। फिर क्या लिखा है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस साल की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर ऐसा लिखा जाएगा मास 21-22? और उसके बाद क्या लिखा है? असेसमेंट ईयर। तो क्या असेसमेंट ईयर भी आप लिख लोगे? समझ रहे हैं आप मेरी बात? बेटा कभी भी आप किसी भी पर्सन की इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, तो लिखना भी पड़ता है क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन में आप जिसकी कर रहे हैं वो कौन है? मिस्टर मास। तो क्या आपको लिखना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर मास? या फिर सैलरी कर रहे हैं तो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर मास लिखना पड़ेगा क्या? क्या आपको प्रीवियस ईयर भी बताना पड़ेगा किस ईयर का आप कर रहे हैं? समझ रहे हैं क्या आप लोग मेरी बात? अब बेटा इसमें अगर आप देखोगे ना, ये तो एक फॉर्मेट था जिसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप देखोगे सबसे पहले लिखा है बेसिक सैलरी। क्या लिखा है? बेसिक सैलरी। मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग की सैलरी 12 लाख है, आपकी सैलरी कितनी है? 12 लाख। तो बेटा आप लोग ना बहुत लेमन लैंग्वेज में उसको सैलरी बोल देते हो, आपको पता है उसके अंदर बेसिक सैलरी होती है, डियरनेस अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, कन्वेंस, ना जाने कितनी चीज़ होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? होती है कई चीज़ें बेटा। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं है, क्योंकि किसी के घर में भाई वगैरह या मम्मी पापा किसी किसी के घर में एम्प्लॉयमेंट में नहीं है कहीं, समझ रहे हैं? तो आपको नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं बोलता हूँ 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी, तो मेरा मतलब बेसिक सैलरी से नहीं होता, मेरा मतलब बेटा वो 50 चीज़ जो एम्प्लॉयर दे रहा है आपको उन सबसे होता है। समझ रहे हैं आप?
तो अगर मैं बोल रहा हूँ आपकी सैलरी कितनी है, 1 लाख रुपीज पर मंथ, तो क्या 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है? इसके अंदर हो सकता है सैलरी तो 20,000 ही हो, 10,000 रुपए बोनस हो, समझ रहे हो आप मेरी बात? 20,000 रुपए का डियरनेस अलाउंस हो, 10,000 रुपए का कोई सा दूसरा अलाउंस हो, ऐसा बेटा बाइफर्केशन होता है सैलरी का। क्या होता है? बाइफर्केशन, जिसमें से सबसे पहली चीज क्या होती है? बेसिक सैलरी। क्या होती है बेटा? बेसिक सैलरी हर एम्प्लॉयमेंट में होती ही होती है। दूसरी चीज, डियरनेस अलाउंस हो सकता है रिलायंस देती हो सकता है TCS नहीं देती हो, समझ रहे हैं आप? मतलब जो अदर चीज है ना, वो डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे, लेकिन क्या चीज तो सबके पास मिलेगी? बेसिक सैलरी किसके पास मिलेगी? सबके पास। मुझे बताओ, बेसिक सैलरी टैक्सेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बेसिक सैलरी टैक्सेबल होना चाहिए। जैसे कि आपकी सैलरी यहाँ पर गिवन है 1 लाख रुपए पर मंथ, तो इसके बाइफर्केशन होते हैं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। इसके क्या होते हैं? तो इसमें से बेसिक कितना है आपका? 50,000। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या ये 50,000 रुपए टैक्सेबल होगा? देखो, अभी मैंने आपको बताया नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये 50,000 रुपीज टैक्सेबल होना चाहिए? ऐसे बेटा यहाँ पर लिखा है डियरनेस अलाउंस, यहाँ पर लिखा है कोई सा दूसरा अलाउंस। अब पता है अपन को यही पढ़ना है कि इनमें से क्या टैक्सेबल होगा, क्या नहीं होगा, समझ रहे हैं आप? और हो सकता है कि कोई से अलाउंस में कुछ एग्जेम्पशन हो। स्टार्ट कर सकते हैं अपन? चलो, तो यही देखना बेटा, बेसिक सैलरी क्या लिखा है? नोट नंबर, बेसिक सैलरी के आगे क्या लिखा है? नोट नंबर। नोट नंबर 1 लिखा है, हाँ या ना? तो एक बार अपन नोट नंबर 1 में घूम के आते हैं। हाँ, नोट नंबर 1 में देखिए क्या लिखा है, फुल्ली टैक्सेबल। तो आज के बाद जब भी मैं आपसे बेसिक सैलरी बोलूंगा, आपको क्या समझ आना चाहिए? तो अगर मेरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपीज पर मंथ है, तो क्या 50,000 रुपए पर मंथ मतलब 6 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा? हाँ या ना? तो आज के बाद याद रखोगे आप, बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल याद रखोगे? बेटा हम यहाँ पर एक थीम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। इस थीम में हमने क्या करा है, सैलरी का पूरा बाइफर्केशन ले लिया, जो भी पॉसिबल बाइफर्केशन है। ये दिख रहा है आपको, बहुत सारे दिख रहा है क्या सबको? और बेटा इसके अंदर हमने नोट्स लिखे हुए, और उन नोट्स को जाके हम फिर पढ़ेंगे, समझ रहे हैं आप लोग? तो सबसे पहले हमने क्या देखा, बेसिक सैलरी क्या देखा, उसमें क्या लिखा है, नोट नंबर 1। और जब आप नोट नंबर 1 में गए, तो आपने क्या पाया? तो बेसिक सैलरी में कुछ सोचने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। इसके बाद क्या लिखा है, डियरनेस अलाउंस। क्या लिखा है? व्हाट डू यू मीन बाय डियरनेस अलाउंस? महंगाई भत्ता, सुना है आपने? सुना है आपने? बताओ, कल जो चीज आपने, कल आपने सेब 100 रुपए किलो खरीदे थे, आज 180 रुपए किलो है, हाँ या ना? तो क्या कल की सैलरी और आज की सैलरी मैच है? मतलब उससे काम चल जाएगा, या डियरनेस अलाउंस भी देना पड़ता होगा? ध्यान रखना बेटा, हर एम्प्लॉयर नहीं देता, कुछ कुछ कंपनीज देती हैं, समझ रहे हैं? तो बेटा डियरनेस अलाउंस क्या होता है? महंगाई भत्ता। क्या होता है? हिंदी में। लेकिन आपको तो क्या याद रखना है बेटा, डियरनेस अलाउंस क्या याद रखना है? तो डियरनेस अलाउंस के लिए यहाँ पर लिखा क्या है वर्ड, नोट नंबर टू। चले एक बार देखें, वॉट इज नोट नंबर 2। देखिए ईजी है, जब मैं बताऊंगा आपको, पढ़िए क्या लिखा। अच्छा, डीए का मतलब सब समझ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डीए? उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, डीए का मतलब क्या? डियरनेस अलाउंस। क्या लिखा है? फुली टैक्सेबल। क्या लिखा है? फुली टैक्सेबल। आगे भी कुछ लिखा है, कोई मुझे बता सकता है आगे क्या लिखा है? पढ़ना तो मेरे को भी आता है यार। डियरनेस अलाउंस वेदर इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स, ऐसा कुछ लिखा है, हाँ या ना? देखो मैं आपको बताऊं बच्चे, डियरनेस अलाउंस 2 टाइप के हो सकते हैं। ये जो डियरनेस अलाउंस होता है ना, डियरनेस अलाउंस बेटा 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है टर्म्स वाला, और दूसरा क्या होता है, हो सकता है नॉट इन टर्म्स। सब लोग ध्यान दे रहे हैं क्या बेटा? जो मैं बता रहा हूँ ये काम की चीज बता रहा हूँ, ध्यान देना। डियरनेस अलाउंस 2 टाइप का हो सकता है, इन टर्म्स वाला और नॉट इन टर्म्स वाला। हमने क्या पढ़ा, चाहे टर्म्स वाला हो चाहे नॉट इन टर्म्स वाला हो, क्या हो जाएगा आपके लिए रेलेवेंट चीज क्या है? बेसिक सैलरी बताओ, बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल, डियरनेस अलाउंस व्हिच इज रिलेटेड टू टर्म्स,
नहीं, मैंने तो टर्म वाला बोला, टैक्सेबल और नॉट इन टर्म्स वाला होता तो बेटा हम ये समझ लेते हैं टर्म्स वाले का मतलब क्या होता है। टर्म्स वाले का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू रिटायरमेंट बेनिफिट, किससे रिलेटेड है, और नॉट इन टर्म्स का मतलब क्या है कि किससे रिलेटेड नहीं है, रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड नहीं है। तो बेटा डियरनेस अलाउंस जो आपको मिलता है ना, दो टाइप का हो सकता है, एक तो हो सकता है डीए इन टर्म्स, क्या हो सकता है, और डीए इन टर्म्स का मतलब क्या है कि वो किससे रिलेटेड है, रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब जब आप रिटायरमेंट लेंगे ना उसके बाद कुछ बेनिफिट है उससे वो लिंक है डीए, तो उसको क्या बोलेंगे आप, डीए इन टर्म्स। और डीए नॉट इन टर्म्स का बोलेंगे जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट से लिंक नहीं है। अभी लिखेंगे नहीं सब लोग, तो मुझे बताओ अभी तो हम जो पढ़ रहे हैं हमारे लिए काम की चीज, डीए चाहे टर्म्स वाला हो चाहे नॉट इन टर्म्स वाला हो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, टैक्सेबल होगा पक्का। लेकिन हम फिर भी क्या देख रहे हैं कि भैया टर्म्स वाले का मतलब क्या, टर्म्स वाला मतलब क्या, देट इज रिलेटेड टू रिटायरमेंट बेनिफिट, टर्म्स मतलब क्या, रिलेटेड टू रिटायरमेंट बेनिफिट, और नॉट इन टर्म्स मतलब क्या, नॉट रिलेटेड टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्लियर है आपको? बेटा ये जो मैंने बाइफर्केशन आपको बताया ना आगे आपके काम आएगा, याद रखना, आप लोग याद रखेंगे, सब लोग याद रखेंगे, मुझे बताओ सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, व्हाट इज डीए इन टर्म्स, रिलेटेड टू रिटायरमेंट बेनिफिट, और व्हाट इज डीए नॉट इन टर्म्स, नॉट रिलेटेड टू रिटायरमेंट बेनिफिट। अभी के लिए रेलेवेंट चीज हमारे लिए क्या है कि डीए फुली टैक्सेबल, चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट वाला हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क पड़ेगा या फुली टैक्सेबल है? तो बेटा अभी तक आपने ना दो चीजें पढ़ी, बेसिक सैलरी बताओ और डियरनेस अलाउंस भी फुली टैक्सेबल चाहे कोई सा भी हो, हाँ या ना? पढ़ो पॉइंट नंबर टू, पढ़ो एक बार जल्दी से। डीए इन टर्म्स मीन डीए इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन, पता ही है आपको, आपको पता ही है डीए इन टर्म्स क्या होता है बेटा, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, हाँ या ना? सब लोग ध्यान दे रहे हैं क्या? डीए बेटा टैक्सेबल होगा या नहीं होगा ये बताओ आप तो मुझे। तो अगर मैंने बोला आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपीज पर मंथ, क्या वो टैक्सेबल है? और मैंने बोला आपका डीए इन टर्म्स है 10,000 रुपए पर मंथ, क्या वो भी टैक्सेबल है? और मैंने बोला आपका डीए नॉट इन टर्म्स है 15,000 रुपए पर मंथ, क्या वो भी टैक्सेबल है? तो अभी तक आपने तीन चीजें पढ़ी, बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स और डीए नॉट इन टर्म्स, क्या तीनों ही टैक्सेबल है, यस और नो? और आपको ये भी पता है व्हाट इज डीए इन टर्म्स क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू रिटायरमेंट बेनिफिट, और नॉट इन टर्म्स मतलब नॉट रिलेटेड टू रिटायरमेंट बेनिफिट। इतना क्लियर है आप लोगों को, हाँ या ना? ये एक पॉइंट लिखा है बेटा, अभी आप पढ़ लो, आपको समझ नहीं आएगा, आगे खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा। ये मतलब आगे कहीं बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे जहां पर डीए की बात होगी, कहीं पर वो बोलेगा टर्म्स, तो आप कौन सा वाला लोगे, जो इन टर्म्स वाला होगा, समझ रहे हैं आप? कहीं पर वो बोलेगा डीए तो आप कौन सा ले लोगे, दोनों, हाँ या ना? समझ रहे हैं मेरी बात बेटा? ये चीज आगे के लिए रेलेवेंट है, अभी के लिए हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। क्लियर है आप लोग को? तो मुझे डियरनेस अलाउंस में आप लोगों से सिर्फ इतनी वो है कि आपको ये पता होना चाहिए डियरनेस अलाउंस टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, इन टर्म्स वाला भी टैक्सेबल होगा, नॉट इन टर्म्स वाला भी टैक्सेबल होगा, हाँ या ना? यस और नो? और बेटा जो टर्म्स और नॉट इन टर्म्स है वो कुछ आगे हम देखेंगे उससे रिलेटेड है। क्लियर है आपको? इतना क्लियर है सबको? एक ये पॉइंट आप लोग पढ़ लें, कुछ नहीं है इसमें, एक बार आप पढ़ लें, मैं आपकी खुशी के लिए पढ़वा रहा हूँ। अगर बेटा क्वेश्चन में उन्होंने लिख दिया डीए, तो आप क्या मानोगे, डीए टर्म्स वाला मानोगे या नॉट इन टर्म्स, क्या मानोगे? क्लियर है सबको? इतनी चीज सबको क्लियर है बेटा? हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सैलरी का फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? उसमें हमने सबसे पहले देखा बेसिक सैलरी टैक्सेबल, बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल, फिर हमने देखा डीए इन टर्म्स फुली टैक्सेबल, डीए नॉट इन टर्म्स इज आल्सो फुली टैक्सेबल, हाँ या ना? यस और नो? और बेटा अगर डीए को बताया नहीं कि तू कौन सा है तो आप क्या मानोगे, क्या मानोगे? ये पता है लॉजिकल अजम्पशन है, क्योंकि अगर वो टर्म्स वाला होता तो वो बता दे रहे कि ये डीए टर्म्स वाला है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? ध्यान रखना बेटा आगे अगर आप इस अजम्पशन को भूल गए तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ये पक्का ध्यान रख लोगे कि डीए कौन सा मानोगे? चलो एक सेकंड, मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देता हूँ, लिखना मत। आपकी बेसिक सैलरी है,
20,000 रुपये पर मंथ और आपका डीएनएस अलाउंस है 15,000 रुपये पर मंथ, तो मुझे आपको टैक्सेबल सैलरी बता दो। अभी तक जितना आपने पढ़ा नहीं, जब मैं टैक्सेबल सैलरी पूछ रहा हूँ या मैं इनकम पूछता हूँ तो बेटा मैं ईयर की पूछता हूँ। चार लाख बीस हजार, चार लाख बीस हजार, चार लाख बीस हजार। बेटा यहाँ पर डीए के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो आप क्या मान रहे हो उसको? डीए के बारे में कुछ नहीं बोला क्या मान रहे हो? नॉट वाला मान रहे हो, हाँ या ना? बस इतना क्लियर है सबको? तीसरी चीज बेटा कमीशन, ध्यान रखना। अभी तक जितना भी पढ़ रहे हैं बहुत इजी इजी पार्ट पढ़ रहे हैं, तीसरी चीज क्या है कमीशन। बताओ, मैंने आपको कमीशन दिया, आप मेरे एम्प्लॉई हो, टैक्सेबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? टैक्सेबल होना चाहिए, हाँ या ना? होना चाहिए। देख लेते हैं यार ये क्या बोलते हैं, देखें कौन से नोट में जाऊं। थीम, अब आपको थीम समझ में आना चाहिए बेटा, कौन से नोट में जाना है? नोट नंबर 3 में चले जाए पक्का। अच्छा ये लिखा है फुली टैक्सेबल वेदर इट इज टर्नओवर कमीशन और, बेटा आपको तो मतलब होना चाहिए कमीशन से, आपको क्या मतलब होना चाहिए? टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल? फुली टैक्सेबल एफटी लिख दूं? क्लियर है सबको, हाँ या ना? लेकिन बेटा आपको एक और चीज से मतलब करना पड़ेगा कि टर्नओवर कमीशन है या अदर कमीशन है। कौन सा कमीशन? टर्नओवर या अदर? ध्यान रखना अभी आपके लिए रेलेवेंट चीज क्या है कि इट इज फुली टैक्सेबल। क्या रेलेवेंट है? इट इज फुली टैक्सेबल। लेकिन फिर भी अभी बेटा डीएनएस अलाउंस भी क्या फुली टैक्सेबल था? लेकिन वहां पर भी अपने इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स देखा था, समझा था। तो बेटा यहाँ पर भी हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज टर्नओवर कमीशन। टर्नओवर कमीशन मतलब ऐसा कमीशन जो किस पे मिल रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ 1% तो 1% किसका? टर्नओवर का। और बेटा अदर कमीशन मतलब किसी और चीज पे बेसिस है, समझ रहे हैं आप लोग? किसी और चीज पे बेस्ड है। क्लियर है आपको? तो चाहे टर्नओवर कमीशन हो चाहे अदर कमीशन हो, दोनों ही कमीशन क्या होंगे? दोनों ही कमीशन क्या हो जाएंगे? फुली टैक्सेबल। लेकिन फिर भी बेटा बाइफर्केशन ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके ऐसी टर्मिनोलॉजी आएंगी जहां पर स्पेसिफिक टर्नओवर कमीशन की बात होगी, समझ रहे हैं आप? आगे जाके टर्मिनोलॉजी ऐसी आएंगी जहां पर डीए इन टर्म्स की बात होगी। क्लियर है आप लोग को? आप पता है जो हम टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं ना, हम आगे के लिए समझ रहे हैं, और अभी के लिए, अभी तक के लिए रेलेवेंट पोर्शन क्या है? बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल, डीएनएस अलाउंस कोई भी हो फुली, कमीशन कुछ भी हो फुली, समझ रहे हैं आप लोग इतना? लेकिन फिर भी बेटा आगे की बात भी, क्योंकि मैं बता चुका हूं, तो मुझे बताओ डीए कितने टाइप के हो सकते हैं? डीए इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स। और इन टर्म्स मतलब इट इज रिलेटेड टू रिटायरमेंट बेनिफिट। और कमीशन भी बेटा दो टाइप के हो सकते हैं, टर्नओवर कमीशन और अदर कमीशन। क्या दोनों ही टैक्सेबल है? दोनों टैक्सेबल है। आगे हम समझेंगे कि हमने ऐसे बाइफर्केशन इनके क्यों पढ़े। क्लियर है आप लोग को? अच्छा चौथी चीज, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉई। अच्छा यहाँ एम्प्लॉई एम्प्लॉई तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, एम्प्लॉई की तो बात हो रही है बेटा। हमने बोनस पे करा है, क्या पे करा? मेरे हिसाब से आप शायद समझ चुके हैं कि भैया सभी चीज तो टैक्सेबल है। मेरे को ऐसा लग रहा है आप समझ चुके हैं सभी चीज क्या है, टैक्सेबल है। आप देखिए ना, बेसिक सैलरी भी टैक्सेबल और डीएनएस अलाउंस भी टैक्सेबल, कमीशन भी टैक्सेबल, बोनस का आप मुझे बताओ। बोनस क्या? इतना भरोसा मत करा करो यार, नोट नंबर 4 है। बोनस 4, बोनस मतलब क्या? टैक्सेबल या नॉट? मतलब आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं ना, मैं मिल गया तो टैक्सेबल, नहीं मिला तो ऐसा हो सकता है। ओके चलो लॉजिकली बताओ, आप तो होम हो सकता है, छोड़ो, आप तो बताओ टैक्सेबल या नहीं? नहीं मिल, ये तो बेटा सभी चीजों की बात हो रही है मिलने वाली, ये बात ही जब कर रहे हैं, जब मिल गई तो क्या करेंगे, समझ रहे हैं आप? अगर नहीं मिला तो टैक्सेबल भी कोई चीज होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली बात है, जब इनको 20,000 रुपए की सैलरी मिल रही है तो ऐसा थोड़ी है बोनस कमीशन सब जोड़ के जो इनको दिया ही नहीं है वो टैक्सेबल करते हैं। बताओ करेंगे क्या? तो ये सब क्या बात हो रही है जो मिलेंगी, हाँ या ना? आपका ऐसा मतलब है कि सही में रिसीव्ड हो चुका है ऐसा? चलो एक काम करते हैं, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा, भरोसा नहीं है मेरे को, नोट 4 पे आ जाते हैं अपन। कहाँ आ जाते हैं? नोट 4। और बोनस आप मुझे समझाओगे, रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल होगा, मतलब
जिस ईयर में मिला उसी ईयर में टैक्सेबल होगा, ऐसा ध्यान रखना बेटा। सिर्फ घोषणा कर दी, सरकारें कर देती हैं हाँ या ना, सिर्फ घोषणा करने से टैक्सेबल होगा या सही में दे दिया तो ही टैक्सेबल होगा? समझ रहे मेरी बात आप लोग? बेटा बोनस देंगे, कह देने से टैक्सेबल होगा या दे देंगे तो टैक्सेबल होगा? दे देंगे तो टैक्सेबल होगा। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? नीचे क्या लिखा है बेटा? बोनस अगर सिर्फ डिक्लेयर कर दिया उससे कोई फर्क पड़ेगा या पे करना ही पड़ेगा अगर उसको टैक्सेबल करना है तो? तो चलिए एक अपन एग्जांपल ही ले लेते हैं बेटा। मैं हूँ रिलायंस इंडस्ट्री, मैंने आपको बोनस डिक्लेयर करके छोड़ दिया। अरे बेटा करोड़ों का बोनस दिया तो भी नॉन टैक्सेबल? मैंने आपको 2 करोड़ रुपए का बोनस दिया, टैक्सेबल? अगर दे दिया तो टैक्सेबल, ऐसा? इजी है बेटा, आप समझ रहे हैं इजी है? अभी तक जितना भी पढ़ रहे हैं ना सब इजी है, सब लॉजिकल है। और गवर्नमेंट हर चीज को क्या ही करने वाली है बेटा? टैक्सेबल। क्या करने वाली है? बेसिक सैलरी टैक्सेबल, डीएनएस अलाउंस टैक्सेबल, कमीशन टैक्सेबल और बोनस भी टैक्सेबल। लेकिन बोनस में एक खास बात है, बोनस में खास बात पता है क्या है? टैक्सेबल तो है लेकिन एक्चुअल बोनस टैक्सेबल है। कौन सा बोनस? जो सही में मिल गया वो बोनस टैक्सेबल है, हाँ या ना? समझ रहे हैं आप मेरी बात बेटा? दूसरी कहीं भी जगह पे ऐसा बोला था क्या रिसीट होने पर ही टैक्सेबल होगा? या अक्रूवल पे भी टैक्सेबल तो हो रहा था वो, लेकिन बोनस में उन्हें स्पेसिफिकली क्या बोल दिया? अगर सही में रिसीव हो गया तो टैक्सेबल है। क्लियर है आपको? सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? बोनस में फुली टैक्सेबल? अरे बेटा फुली टैक्सेबल लिखूं, टैक्सेबल लिखूं, अल्टीमेटली 100 रुपए है तो 100 ही टैक्सेबल होंगे। अरे यार अच्छा, एडवांस सैलरी और अरियर सैलरी में से आप मुझे डिफरेंस बता दें, क्या फर्क होता होगा? अरियर मतलब आपने अरियर ऑफ रेंट समझा था क्या? अरियर ऑफ रेंट वहां क्या डिस्प्यूट होती थी? वहां डिस्प्यूट होती थी पक्का? तो बेटा अरियर ऑफ सैलरी में भी क्या ही होगा? डिस्प्यूट होना चाहिए, यस और नो? और बेटा एडवांस मतलब? एडवांस मतलब अप्रैल की सैलरी मार्च में मिल गई, ऐसा? ऐसा क्या? चलो एक मिनट अपन देख लेते ना क्या है इसके बारे में, क्या लिखा है बेटा? अभी तक आपको कहां तक समझ आ चुका है मुझे बताओ? चीजें याद रह जाएंगी आप लोग को? बेसिक सैलरी, फुली टैक्सेबल, डीएनएस अलाउंस। कहने को तो बेटा 2 टाइप का होता है, टर्म्स वाला भी होता है, नॉट इन टर्म्स भी होता है, लेकिन फर्क पड़ेगा या दोनों ही टैक्सेबल है? दोनों ही टैक्सेबल है बेटा। बोनस वो कमीशन ये भी 2 टाइप का होता है, टर्नओवर और दूसरा, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या या दोनों ही टैक्सेबल है? दोनों टैक्सेबल है बेटा। बोनस टैक्सेबल तो होगा, ध्यान रखना बोनस टैक्सेबल तो होगा, लेकिन कब होगा? जब सही में रिसीव हो गया। इतना क्लियर है आपको? चलो बेटा आगे किसकी बात हो रही है? एडवांस सैलरी और अरियर ऑफ सैलरी आपको तो पता ही है, पता ही है हाँ या ना? अरे अभी तो बताया आपने एडवांस सैलरी मतलब वो सैलरी जो पहले से मिल गई, एडवांस में मिल गई, और अरियर ऑफ सैलरी मतलब आपने बताया जो सैलरी अभी मिली नहीं है, हाँ या ना? बताया ना अभी आपने? तो नोट नंबर 5 की जरूरत है या छोड़ दें? छोड़ दें। देखो बेटा पढ़ो जल्दी से। अच्छा इसमें से सब चीज लॉजिकल है, आप मुझे आंसर करिएगा। एडवांस सैलरी क्या लिखा है? टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल है। क्या आपको पता ही था ये कि 12 महीने की सैलरी तो आपको वैसे भी टैक्सेबल होना थी, अगर 15 महीने की मिल गई तो 3 महीने की एडवांस मिल गई तो कितने महीने की टैक्सेबल होती थी? और कैसे होती थी बेटा? रिसीट बेसिस पे, यस और नो? समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि आपने सेक्शन नंबर 15 के अंदर देखा था कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिसीव्ड और क्या देखा था आपने? ड्यू और रिसीव्ड, व्हिचएवर इज अर्लियर, हाँ या ना? तो बेटा एडवांस सैलरी मतलब वो सैलरी जो अभी अक्रू नहीं हुई लेकिन आपको मिल गई, तो क्या वो भी टैक्सेबल हो जाएगी? क्योंकि आपने बेटा देखा था अर्लियर, आपने क्या देखा था? जो भी अर्लियर हो जाएगा ना जब टैक्सेबल होगी, हाँ या ना? और अर्लियर किन चीजों का? रिसीव करने का और ड्यू करने का। ड्यू मतलब कमाना, ड्यू मतलब क्या?
बताओ मार्च के महीने में मैंने अपना काम कर दिया, मैंने अपनी मेहनत कर दी, तो क्या सैलरी मेरी ड्यू तो हो चुकी है? हाँ या ना? आप बताइए ना सर, अगर मैंने बेटा मार्च के महीने में अपना काम जो भी मेरा था, बेटा मैं वॉचमैन हूँ, क्या हूँ? पूरे पूरे महीने में आके कुर्सी पे बैठा, देखा? हाँ, तो बेटा अगर मार्च का महीना हो चुका है तो क्या मेरी सैलरी ड्यू तो हो चुकी है? भले ही एपीटी से अभी मिली नहीं है, लेकिन क्या ड्यू हो चुकी है? हाँ या ना? तो क्या वो टैक्सेबल हो जाएगी? क्योंकि अर्लियर ड्यू हो गया, क्या वो टैक्सेबल हो जाएगी? और बेटा सपोज मार्च की सैलरी मैंने फेब में ही दे दी थी, होती, मतलब मैंने क्या एडवांस में पे कर दी? मार्च की सैलरी अगर मैंने फेब में दे दी, इसी को एडवांस सैलरी बोलते हैं, हाँ या ना? तो बेटा रिसीव कब हुई है? फेब में, और ड्यू कब हुई है? मार्च में। आप मुझे बताओ टैक्सेबल फेब में होगी या मार्च में होगी? टैक्सेबल कब हो जाएगी? फेब में हो जाएगी, हाँ या ना? बेटा यहाँ पर तो दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दोनों सेम ईयर पढ़ रहे हैं, लेकिन दिक्कत कब होगी पता है? जब मार्च और अप्रैल होंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बेटा मार्च और अप्रैल, देखिए यहाँ तो चाहे फेब में हो चाहे मार्च में हो, क्या वो आपके प्रीवियस ईयर में ही है? यस और नो? लेकिन बेटा दिक्कत जब होगी, जब अप्रैल की सैलरी मार्च में मिल जाए। तो मुझे बताओ अप्रैल की सैलरी मार्च में मिल गई, मतलब एडवांस में मिल गई मार्च में, हाँ या ना? तो बेटा टैक्सेबल भी किस मंथ में हो जाएगी? क्या आप गवर्नमेंट से ये बोल सकते हो कि अप्रैल की सैलरी है तो मैं अप्रैल में ही टैक्स पे करूंगा? या गवर्नमेंट ने तो सेक्शन 15 में क्लियर बोला हुआ है कि ड्यू और रिसीव व्हिच एवर इज अर्लियर बेसिस पे हम टैक्स लगाएंगे, हाँ या ना? समझ रहे हैं आप मेरी बात? बेटा सैलरी के केस में मालूम है दिक्कत जब ही आएगी, जब 2 साल इन्वॉल्व होंगे। क्या इन्वॉल्व होंगे? 2 ईयर्स जब इन्वॉल्व होंगे। क्लियर है आपको इतना? लॉजिकली क्लियर है ये चीज? बेटा मुझे बताओ, अगर दिसंबर की सैलरी अक्टूबर में मिल गई, दिसंबर की सैलरी कब मिल गई? तो टैक्सेबल कब होगी, अक्टूबर में या दिसंबर में? अक्टूबर में। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अक्टूबर और दिसंबर क्या दोनों एक ही साल में आ रहे हैं? तो कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? दिक्कत कब होती बेटा? जब यहाँ पर ईयर चेंज हो रहा होता। एग्री करते हैं आप इस बात से? सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? तो बेटा अगर अब मैं आपसे बोलूं, इधर सुनिए, अगर मैं आपसे बोलूं, अब मैं एक थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ध्यान देना सब लोग, अप्रैल से लेके मार्च तक की सैलरी मेरी ड्यू हो गई। क्या हो गई? मतलब मैं काम तो कर चुका हूं, लेकिन पता है मेरा एम्प्लॉयर इतना अच्छा था, मेरी शादी होने वाली थी जून में, तो उसने क्या करा, अप्रैल में जून नहीं मेरी शादी होने वाली थी अप्रैल में, तो उसने क्या करा, इन 3 महीने की सैलरी भी मुझे कब दे दी? मार्च में। क्या इसी को एडवांस सैलरी बोलते हैं आप? क्या इसी को एडवांस सैलरी बोलते हैं? हाँ या ना? और बेटा यहाँ पर 1 साल की बात हो रही है, 2 डिफरेंट ईयर है यहाँ पर। एक साल तो हो सकता है ये 21-22 हो, और ये कौन सा है? 22-23। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब 21-22 में आप सैलरी को टैक्सेबल करोगे तो कितने महीने की सैलरी टैक्सेबल करोगे? देखिए 12 महीने की तो ड्यू बेसिस पे हो जाएगी, हाँ या ना? और 3 महीने की किस बेसिस पे हो जाएगी? रिसीट बेसिस पे। क्लियर है आप लोगों को इतना? समझ रहे हैं आप मेरी बात? और बेटा जब अगले साल में टैक्स पे करूंगा, तो अगले साल 12 महीने पे करूंगा या 9 महीने पे करूंगा? क्योंकि क्या मैं 15 महीने पे ऑलरेडी कर चुका हूँ, मतलब इस वाले साल के 12 में से 3 महीने पे ऑलरेडी कर चुका हूँ, हाँ या ना? तो अगले साल क्या मैं जिस पे पहले ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका वापस से करूंगा या उस पे नहीं करूंगा? उस पे नहीं करूंगा, लॉजिकल है, हाँ या ना? बेटा वापस आइए एडवांस सैलरी पे, और देखिए क्या लिखा था, एडवांस सैलरी टैक्सेबल ऑन, आपको क्लियर है रिसीट बेसिस मतलब क्या? बेटा इट इज समवॉट रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 15। आप सेक्शन नंबर 15 में ऑलरेडी देख चुके थे कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट और ड्यू व्हिचएवर इज अर्लियर। अच्छा मैं रिसीट और ड्यू बोल देता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर ना आप मुझे देखने लगते हैं। चलो ठीक है, ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर, क्या सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। पता था कौन सी सेक्शन में पढ़ा था ऐसा? तो क्या ये आपको ऑलरेडी पता था ये वाली बात? पक्का ना? अच्छा दूसरी है अरियर ऑफ सैलरी, दूसरी क्या है, क्या लिखा है बेटा? अच्छा अरियर ऑफ रेंट भी यही होता था क्या, डिस्प्यूटेड रेंट, हाँ या ना? तो अरियर ऑफ सैलरी भी वही होने वाला था, यस और नो? बेटा टैक्सेबिलिटी की यहाँ पर क्या बात होगी वो देखिए आप। तो अच्छा डिस्प्यूट मतलब होता क्या है, एक मिनट बेटा आप मुझे बताएंगे डिस्प्यूट मतलब क्या होता है? नहीं आप, हाँ
सपोज मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ, आप मेरे एम्प्लॉई है, और अपनी सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ की डिसाइड थी, अब मुझे बताओ डिस्प्यूट क्या हो सकती है? वो वाली मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर बेटा डिस्प्यूट का मतलब ये होना चाहिए कि आपकी सैलरी 20,000 थी, हाँ या ना, मैंने आपको 18,000 दी, और मैं एग्री नहीं कर रहा कि आपकी सैलरी 20,000 है, समझ रहे हैं आप? मतलब लड़ाई अमाउंट पे हो रही है, सैलरी नहीं रोक रहा हूँ मैं आपकी, एक पर्टिकुलर अमाउंट रोक रहा हूँ। देखिए मेरी आपकी सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ में थी, और मेरी आपसे बात हुई थी कि 5 महीने बाद मैं 10% बढ़ा दूंगा, तो क्या 5 महीने बाद आपकी सैलरी 21,000 रुपये होना चाहिए थी? क्योंकि अपने एग्रीमेंट में क्या था कि 5 महीने बाद मैं आपकी सैलरी बढ़ा दूंगा, लेकिन बेटा जब 5 महीने हो गए ना, उसके बाद मैं भूल गया कि ऐसा कोई एग्रीमेंट था, तो क्या उसी को अरियर ऑफ सैलरी बोलते होंगे? क्योंकि अब मैं तो सैलरी आपको किस हिसाब से दे रहा हूँ, और बेटा आप मुझे किस हिसाब से मांग रहे हो 21,000, हाँ या ना? तो क्या इसी को अपन अरियर ऑफ सैलरी बोलते हैं, अरियर सैलरी? समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा अरियर सैलरी टैक्सेबल होगी, सुन रहे हैं मेरी बात सब लोग? मुझे बताओ एडवांस सैलरी क्या टैक्सेबल है? क्या एडवांस सैलरी टैक्सेबल है? टैक्सेबल तो है, लेकिन कौन से बेसिस पे? यहाँ पर रिसिट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर चेक करोगे या नहीं करोगे? अच्छा अच्छी बात ये है कि अगर करोगे भी तो भी बेटा रिसिट ही पहले आएगा, हाँ या ना? क्योंकि नाम ही क्या है उसका, एडवांस। समझ रहे मेरी बात? तो एडवांस सैलरी कैसे टैक्सेबल होगी? जब वो सही में रिसीव होगी, क्लियर है आपको? और बेटा अरियर सैलरी, अरियर मतलब डिस्प्यूटेड सैलरी, ये भी कब टैक्सेबल होगी? जब सही में रिसीव हुई है। तो बताओ अगर मैं कह रहा हूँ आपकी सैलरी 20,000 और आप कह रहे हो कि 25,000, कितनी डिस्प्यूटेड है? मैंने आपको बेटा 5,000 रुपये की सैलरी नहीं दी, कभी भी नहीं दी, तो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? मतलब मैंने आपको 20,000 ही दी तो टैक्सेबल कितनी होगी? लेकिन बेटा 2 साल बाद मेरी आँख खुल गई और मुझे याद आ गया, नहीं यार 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से और देना चाहिए थे, मतलब आपकी सैलरी 2 साल पहले मुझे 25,000 देना चाहिए थी, लेकिन मैंने कितनी दे रखी है आपको? तो क्या मैं आपको अरियर ऑफ सैलरी 5,000 × 12 क्या पे करूंगा 60,000 रुपये? तो बेटा जिस साल पे करूंगा उस साल क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। सबको क्लियर है? अब देखिए मैंने तो आपको बहुत घुमा घुमा के बताया, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चाहे चाहे एडवांस सैलरी हो चाहे अरियर सैलरी हो, दोनों ही टैक्सेबल होंगी ऑन रिसीट बेसिस। समझे आप लोग? सबको क्लियर है इतनी बात? लेकिन मैंने आपको है ना बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन आपको याद क्या रखना है, टैक्सेबल कब होगी? जब सही में रिसीव हो जाएगी, और एडवांस सैलरी पहले ही रिसीव होती है, लॉजिकल भी हमने डिस्कस करा, और बेटा अरियर सैलरी पहले रिसीव ही नहीं हुई थी तो टैक्सेबल नहीं करा था, तो बाद में जब रिसीव हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगी। इतना सबको क्लियर है? हाँ बोले। हाँ हो जाएगी। नहीं बेटा अरियर मतलब नहीं, एक सेकंड बेटा रितिका, आप जो बोले वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर सैलरी डिस्प्यूट है। मैं मान ही नहीं रहा ना कि आपकी सैलरी 25,000 है, तो आपकी 25,000 ड्यू हुई या ड्यू 20,000 ही हो पाई? क्योंकि एम्प्लॉयर तो 20,000 ही बोल रहे, तो ड्यू भी कितनी हुई, 20,000। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बेटा ड्यू बेसिस 20,000 होगा, समझ रहे हैं? मतलब जब एम्प्लॉयर खुद बोल ही नहीं रहा 25,000, तो आप मन से 25,000 पे टैक्स नहीं भरोगे एज अ एम्प्लॉई, ठीक है? क्लियर है बेटा? अच्छा लॉजिकल भी है, जब पैसा मिल ही नहीं रहा तो टैक्सेबल भी किस बात का, हाँ या ना? क्लियर है सबको? बेटा अभी तक का क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, सेक्शन नंबर 15, अगर पैसा किस वजह से मिला है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से, कहाँ टैक्सेबल होगा, सैलरी के अंदर। और इवेंट क्या है, इवेंट का मतलब होता है बेटा टाइमिंग ऑफ टैक्सेबिलिटी, इवेंट कब होगा, ड्यू और रिसीव्ड, व्हिचएवर इज अर्लियर या रिसीव्ड, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आंसर करूंगा बेटा। टाइमिंग कब होगी बेटा, रिसीट और ड्यू व्हिचएवर इज अर्लियर, या फिर ड्यू और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर, एक ही बात है, हाँ या ना? ये सुनो, इसके अलावा एमपी एमएलए वाला सबको क्लियर है? एमपी एमएलए वाला कहाँ, अदर सोर्सेस। देखो ज्यादा प्रेशर लेना ही नहीं है, जो चीज इजी है उसको इजी वे में ही लेना है, हाँ या ना? तो आज के बाद ध्यान रखना है एमपी एमएलए अदर सोर्सेस, पार्टनर, पीटीबीपी नॉर्मल सैलरी, सैलरी। समझ रहे हैं मेरी बात? अब बेटा सैलरी के आगे हमने क्या देखा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ऑफ सर्विस मतलब, फॉर सर्विस मतलब पीटीबीपी। ये सुनो, इसके बाद हमने काम की चीज पढ़ना स्टार्ट करी,
देखिए सबसे काम की चीज तो चार्जिंग सेक्शन होता है, लेकिन चार्जिंग सेक्शन चीजें क्लियर नहीं करता है। हाँ या ना? क्या चार्जिंग सेक्शन ने ये बताया था कि क्या डिक्सेबल होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ बताया? उसने कुछ नहीं बोला उसके बारे में, उसने तो सिर्फ हेड बताया कि अगर डिक्सेबल होगा तो कहाँ होगा। हाँ या ना? समझ रहे हैं मेरी बात बेटा? उसने सिर्फ आपको हेड बता दिया कि अगर कुछ अमाउंट डिक्सेबल हुआ तो कहाँ डिक्सेबल होगा, सैलरी के अंदर, यस और नो? अभी तक बेटा आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आप दो चार्जिंग सेक्शन पढ़ चुके हैं, सेक्शन नंबर 22 हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन नंबर 15 सैलरी। हाँ या ना? हाउस प्रॉपर्टी वाले ने क्या बोला था कि अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर पहली कंडीशन क्या थी? आप ओनर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन थी आपका घर होना चाहिए। हाँ या ना? मतलब इनकम आपकी घर से होना चाहिए तो क्या कहाँ टैक्सेबल होगी? और बेटा सेक्शन नंबर 15 ने क्या बोला, अगर आपको एम्प्लॉयर से कुछ अमाउंट मिल रहा है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, किस वजह से मिल रहा है, कहाँ टैक्सेबल होगा? सैलरी। फिर हमने जब सैलरी के बाइफर्केशन पढ़े तो उसमें हमने देखा बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी मतलब फुली टैक्सेबल। उसके बाद हमने क्या देखा, डीएनएस अलाउंस, बताओ डीए टर्म्स वाला है, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, डीए टर्म्स वाला है फुली टैक्सेबल, डीए नॉट इन टर्म्स वाला है तो भी फुली टैक्सेबल। तो बेटा फिर ये डीए टर्म्स और नॉट इन टर्म्स हमने पढ़ा क्यों? आगे हमारे काम आएगा, जब आएगा जब समझेंगे उस टाइम में बताऊंगा नहीं व्हाट इज डीए इन टर्म्स, ध्यान रखना बेटा उस टाइम बताऊंगा नहीं मैं। क्लियर है आप लोग को? डीए इन टर्म्स क्या होता है? रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। नॉट इन टर्म्स क्या होता है? नॉट इन। हाँ या ना? अच्छा उसके बाद क्या पढ़ा हमने, कमीशन, और कमीशन के बारे में आपने क्या पढ़ा, कमीशन चाहे टर्नओवर कमीशन हो चाहे कोई सा भी कमीशन हो टैक्सेबल तो होना है। हाँ या ना? टैक्सेबल तो होके रहेगा, लेकिन फिर भी हमने बेटा कमीशन में दो भेदभाव के साथ पढ़ा, एक होता है टर्नओवर कमीशन, दूसरा क्या होता है आगे देखेंगे ऐसा क्यों पढ़ा था। क्लियर है आप लोग को? सबको क्लियर है इतना? उसके बाद हमने क्या देखा, कमीशन। अच्छा बोनस देखा क्या? अच्छा कमीशन तो अभी देखा था, उसके बाद क्या देखा, बोनस। अच्छा बोनस मतलब आप एक सेकेंड, बोनस से आप समझते क्या हो? चलो पहले तो अपन डिस्कस कर लेते हैं जो अपन ने पढ़ा। बोनस क्या बेटा, टैक्सेबल या नॉट? घोषणा से काम नहीं चलेगा, सही में अगर मिल गया तो टैक्सेबल होगा, ऐसा यस और नो? अच्छा चलिए इससे ज्यादा तो इसमें कुछ याद ही नहीं रखना, आगे बात करते हैं बेटा किसकी, एडवांस सैलरी टैक्सेबल होगी क्या? एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। अच्छा अरियर सैलरी, अरियर सैलरी मतलब डिस्प्यूटेड, क्या वो पहले टैक्सेबल हो चुकी है पहले नहीं हुई होगी? तो बेटा बाद में अगर रिसीव हो गई तो क्या वो रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होगी? समझ रहे हैं आप मेरी बात? इतना क्लियर है सबको? अच्छा बोनस मुझे आप बता दीजिए, मैं आपकी नॉलेज चेक कर रहा हूँ, बोनस से आप क्या समझते हैं? बोनस मतलब एक्स्ट्रा, बोनस मतलब कुछ एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा नहीं बोला था, क्या बोला था, कुछ एक्स्ट्रा। बोनस मतलब क्या बच्चे, कुछ एक्स्ट्रा, ऐसा ही है क्या? अच्छा किसी ने एक और वर्ड बोला, मतलब मैं लिखते जा रहा हूँ जो जो आपने बोला, आप बताते जाओ मुझे, तो मोटिवेटिंग फैक्टर, इंसेंटिव, तो बेटा बोनस एक ही बात है, बोनस इंसेंटिव एक ही बात है, यहाँ पर मैं इंसेंटिव भी लिख देता हूँ। हाँ बेटा और बताओ, मतलब बोनस के बारे में आपको पता क्या है? मॉनेटरी टर्म्स में होता है, चलो ठीक है। और कुछ स्पेशल ओकेशन में मिलता है, ठीक है। हाँ एक सेकेंड बोलो, एक टाइप का अलाउंस बोल सकते हैं? नहीं बेटा अलाउंस नहीं बोल सकते, एडिशनल एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा, भाई लैंग्वेज में बहुत दम है, कुछ एक्स्ट्रा मैंने इसीलिए लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा। किसने बोला, किसने था? कभी कभी, ओकेशनल नहीं, ठीक है अपन फिर भी इसको क्लियर कर लेते हैं, कभी कभी, ये भी वर्ड अच्छा है ना यार, कभी कभी। चलो मैं आपको बताऊं आजकल बोनस क्या बन चुका है, मेरी सैलरी है 1,00,000 रुपए पर मंथ, कितनी है? क्या बोनस इस चीज पे डिपेंड करना चाहिए मेरा परफॉर्मेंस कैसा था? मतलब इट मस्ट बी लिंक टू माई परफॉर्मेंस, जो कि किसी ने बोला मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए कि भाई अच्छा परफॉर्म करोगे तो अच्छा बोनस मिलेगा। हाँ या ना, एग्री करते हैं इस बात से? बेटा आजकल बोनस ऐसा बन चुका है कि आपकी सैलरी 1,00,000 है, आपकी सैलरी क्या है, आप सीएस बन चुके हैं, सीएस आपकी सैलरी है बेटा 1,00,000,
इसमें से बेसिक है आपका 50,000, डीएमएस अलाउंस है आपका 10,000, अदर कुछ है 20,000, कितना हो गया 80, बोनस 20,000। तो बेटा आज की तारीख में ना ये मोटिवेटिंग फैक्टर है, ना ये ओकेशनली मिलता है, हर महीने मिलता है आजकल। मतलब कुछ कुछ कंपनी साल भर में इकट्ठा देती है, कुछ कुछ कंपनी तो पर मंथ की सैलरी के साथ ही देती चलती है। तो बेटा जो भी आप समझते हो ना बोनस के बारे में, ना ये ओकेशनल बचा है, ना ये कुछ एक्स्ट्रा है, ये तो आपकी सैलरी का पार्ट है। और बेटा ना ये मोटिवेटिंग फैक्टर बचा है, मॉनिटरी तो हाँ ये है, और कभी कभी नहीं बेटा ये हर रोज मिलने लगा है आजकल, मतलब हर महीने। आप समझ रहे हैं क्या बेटा? आजकल जब आपकी सैलरी डिसाइड होती है ना, उसमें बोनस को ही इंक्लूड कर देते हैं कि हम आपको 1,00,000 रुपए का बोनस देने वाले हैं। आप मुझे बताओ, अगर मैंने आपको रखते से ही बता दिया कि आपको 1,00,000 रुपए का बोनस मिलने वाला है, तो आप कुछ भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे? आपका बोनस तो फिक्स है, फिक्स होना चाहिए था, या इट मस्ट बी लिंक टू परफॉर्मेंस होना चाहिए था? अगर परफॉर्मेंस से लिंक होता तो आप किस चीज के लिए मोटिवेट होते, अच्छा परफॉर्म करने के लिए, हाँ या ना? लेकिन बेटा जब फिक्स है तो किसी को अच्छा करने की जरूरत है या फिक्स है ही वो? तो समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बेटा बोनस के बारे में जो भी आप समझते हैं उसको भूल जाना। आप तो क्या ध्यान रखना कि अगर बोनस मिला है तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा ऑन रिसीट बेसिस। तो रिसीट अगर आपको साल भर का इकट्ठा हुआ तो भी, ये सो नो। और बेटा अगर हर महीने मिल रहा है तो भी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सबको क्लियर है ये चीज? सबको क्लियर है बेटा? इसके बाद होता है ग्रेच्युटी। अब ध्यान देना बेटा, अब ध्यान देने लायक बात शुरू हो चुकी है। इसके बाद क्या होता है, नोट नंबर 6। अच्छा कल सब लोग टाइम पे आएंगे, ग्रेच्युटी। अब जो अपन पढ़ेंगे ना वो थोड़ा सा टेक्निकल है, अभी तक इजी थी पढ़ रहे थे। एक बार दिखा देता हूँ ना आपको, झलक दिखा देता हूँ। पढ़ा नहीं रहा हूँ। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT Educating India।